अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा अगला टॉपिक है वो फेडरलिस्ट रिजीम के ऊपर है, जो कि रही थी 1789 से लेके 1801 में। दो टेन्योर्स इनके ऑलमोस्ट रहे हैं, और इसमें हम लोग बात करेंगे जितने भी आपके फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट्स रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको फर्क आना चाहिए फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट में। ठीक है, फेडरलिस्ट में जो है वो बेसिकली आपके जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और एंटी फेडरलिस्ट में जो मेजर नाम है वो थॉमस जेफरसन आ जाता है। ठीक है, इनका बेसिकली फेडरलिस्ट व्हाट दे वांटेड वाज के भाई हमारा एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो सेंटर के ऊपर। ठीक है, अमंग अदर थिंग्स आर वी गोइंग टू डिस्कस जो डिफरेंसेस में आ जाएगा। एंटी फेडरलिस्ट ऑन द अदर हैंड उनको होता था कि भाई एक स्टेट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, और उनकी काफी लड़ाइयां चलती रहेंगी टिल द एंड ऑफ योर कोर्स एज वेल, बिकॉज अमेरिका हैज ऑलवेज हैड अ टू पार्टी सिस्टम, बेसिकली मोर लेस टू मेजर पार्टी सिस्टम। अच्छा जी, डिफरेंसेस की बात करते हैं दोनों की। सबसे पहले पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, तो फेडरलिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि जो पावर है वो कॉमन मैन के पास नहीं होना चाहिए, पावर शुड ऑलवेज बी विद पीपल हु हैव प्रॉपर्टी एंड हु आर ऑफ प्रिंसिपल। तो थोड़े से एलिटिस्ट थे अपनी सोच में अपने, क्योंकि इट वाज आल्सो दैट पार्टी वाज मेड ऑफ एलिटिस्ट पीपल जनरली एज वेल, बिकॉज दे व्हाट दे डिड वाज वो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो काफी ज्यादा चीजें ऐसे करना चाहते थे जो अपर क्लास को सपोर्ट करती थी या बेनिफिट करती थी। अब उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी एंटी फेडरलिस्ट की, वो ये कहते थे कि भाई कॉमन मैन के पास पावर होनी चाहिए, उनको आप पावर दो। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अगेन दोनों का बहुत फर्क था, एक चाहता था कि जी सेंटर के पास पावर हो और एंटी फेडरलिस्ट चाहते थे कि स्टेट्स के पास पावर हो। आपकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी आप जब आप बात करते थे, ये था कि इंडस्ट्रियल क्लास को ज्यादा फेवर करना चाहते थे फेडरलिस्ट, वो चाहते थे कि ज्यादा टैरिफ्स उनको उनके लिए माफ किए जाए, ज्यादा टैक्सेस उनके लिए माफ किए जाए, ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए उन लोगों को। लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो अपनी उनका स्टांस होता था, वो कहते थे कि जी आप एग्रीकल्चर क्लास को, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो बेसिक यूनिट है एक अमेरिका का, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने ही फ्यूचर बनाना है। उनके ख्याल में, एंटी फेडरलिस्ट के ख्याल में ये होता था कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट के ऊपर पूरी जिंदगी रिलाई करेंगी। वाई? बिकॉज दे टेकिंग सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिपेंडेंट। तो उनको लगता था कि फेडरलिज्म जो है या फेडरलिस्ट जो है, दे टेकिंग अवे द इंडिपेंडेंस ऑफ अ नॉर्मल ऑफ अ कॉमन अमेरिकन मैन। ठीक है, एंड मेकिंग देम डिपेंडेंट। अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वन बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, हाउएवर जो एंटी फेडरलिस्ट थे ये वो बहुत अगेंस्ट इसकी बात करते थे, वो कहते थे कि भाई स्टेट फिस्कल पावर जो है, जो मॉनिटरी भी पावर है, वो डिफरेंट स्टेट्स के पास होनी चाहिए। लेकिन फेडरलिस्ट इसके अगेंस्ट थे, दे वॉन्टेड वन सिस्टम ऑफ बैंकिंग, दे वॉन्टेड वन सिस्टम ऑफ जुडिशरी, एवरीथिंग वाज सपोज्ड टू बी वन फॉर देम। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कैबिनेट की बात करते हैं, तो एज ऑल ऑफ यू नो जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। ठीक है, तो पहली जो आपकी कैबिनेट थी उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी। एक थी जी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, फिर आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था आपकी, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन ने थॉमस जेफरसन को बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो था आपका, आपकी क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर जो हैमिल्टन आ गया। ठीक हो गया, और सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो था हेनरी नॉक्स आ गया। लेट मी राइट दीज नेम्स डाउन इन केस यू फॉरगेट। सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो था उनका हेनरी नॉक्स था, थॉमस जेफरसन वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अलेक्जेंडर हैमिल्टन, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, वॉज द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। और आपका एडमंड रैंडोल्फ जो था आपका सबसे पहले यूएस का अटोर्नी जनरल रहा। ठीक हो गया, फर्स्ट कैबिनेट में गया। अकॉम्प्लिशमेंट क्या थी फेडरल रिजीम की? सबसे पहले जुडिशरी एक्ट लेके आए थे वो 1789 में, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक होगा, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोर्ट्स हैं वो उसके नीचे आएंगे। तो ओनली पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस जुडिशरी एक्ट वाज कि एक प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश हो जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक ही होगा और बाकी कोर्ट्स डिफरेंट होंगे, ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो कि भाई कोई भी इस तरह, तो इफ एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल देन एनी सुप्रीम कोर्ट कैन ओवरटर्न अ डिसीजन ऑफ अनदर स्टेट्स कोर्ट। सो दैट वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक होगा और फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर भी वही होगी। फिर बिल्स ऑफ राइट्स जो थे वो 10 थे, 12 थे लेकिन रेटिफाई जो थे वो 10 हुए थे। तो 10 जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं, दे हैव बीन एंटर्ड इनटू एज 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जो कि समझा जाता है कि दे आर द मैग्ना कार्टा ऑफ द अमेरिकन पीपल, और काफी राइट्स की भी बात की गई है ऑफ द अमेरिकन पीपल की।
इसके अलावा विस्की रिबिलियन था 1791 में, दैट वाज वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ द फेडरल रिजीम, जिसमें डिस्टिल्ड लिक्वर, क्या कह लो आप, डिस्टिल्ड विस्की के ऊपर एक टैक्स लगाया गया था. अब वो जो था वो बहुत ज्यादा, इट वाज वेरी, इट बेसिकली पुट अ लॉट ऑफ पीपल इनटू लॉस, ठीक है, क्योंकि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड विस्की थी जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था. अब जो फार्मर्स थे पेंसिल्वेनिया के, दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द टैक्स, क्योंकि वो अपने फूड ग्रेन से वो लिक्वर जो था डिस्टिल्ड विस्की जो एक्सट्रैक्ट करके बेचा करते थे, अब वो अपने फूड ग्रेन जो सरप्लस में थे उनको बेच नहीं सकते थे, तो उस उनको बड़ा लॉस हो रहा था. तो दे मार्च टू पिट्सबर्ग और उन्होंने रिबेलियन किया, उन्होंने स्टॉप की इसकी कलेक्शन को, ठीक है. अब ये विस्की रिबेलियन कहा जाता है. हाउएवर, आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस भेजी, उस रिबेलियन को सप्रेस किया, और ये बड़ी अचीवमेंट निकली थी कि यूनियन को मेंटेन और कायम किया फेडरल रिजीम ने, ठीक हो गया. उसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसीज आ जाती है अलेक्जेंडर हैमिल्टन की, ठीक है. अगेन हैमिल्टन वॉज योर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी. सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन आता है, डिफरेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा के, डिफरेंट टैक्सेस लगा के आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया एंड यू पेड ऑफ द वॉर डेट्स, ठीक है. फिर पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टेड टैरिफ थी जो आप इन्फेंट इंडस्ट्रीज को दे रहे थे. उस टाइम पे आप चाह रहे थे कि आपकी जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश करें, वो बनाए ताकि प्रॉफिट हो आपको. तो उसका उस प्रॉफिट को रियलाइज करने के लिए, एक क्या कहते हैं, एक ड्रीम को मटेरियलाइज करने के लिए सब्सिडीज देना शुरू कर दी अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को, जो बहुत हेल्प हुई इंडस्ट्रीज की आपकी उसने. फिर आपने नेशनल डेट को पे किया, फिर आपने स्टेट डेट्स को पे किया आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन द फर्स्ट बैंक ऑफ द यूएस वॉज बेसिकली मेड. पहला आपने नेशनल बैंक एस्टेब्लिश किया जो करेंसी नोट्स प्रिंट कर रहा था, जो कि एक ही सिस्टम को लेके आ रहा था, ठीक है. दिस इज व्हाट द एंटी फेडरलिस्ट्स वर अगेंस्ट. फिर एलियन और सेडिशन एक्ट आ जाते हैं 1798. दिस वाज इन द प्रेसिडेंसी ऑफ द सेकंड फेडरल फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं. सो सबसे एलियन 1798 में जो माहौल था वो ये था कि फ्रेंच वॉरशिप्स जो थे वो अमेरिकन वेसल्स को पकड़ रहे थे वो ट्रेडिंग विद इंग्लैंड, क्योंकि उस पॉइंट पे फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी, ठीक है. और अमेरिका ने ऑब्वियसली सफर किया बिकॉज बोथ ऑफ देम डिड नॉट वांट अमेरिका टू ट्रेड विद आइदर ऑफ द टू राइवल्स, ठीक है. अच्छा जी, तो फ्रांस ने अमेरिकन वेसल्स पकड़ने शुरू कर दिए, तो एक डर बैठ गया अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर, एक अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर, कि अब फ्रांस दोबारा से टेक ओवर ना कर ले, फ्रांस कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. तो कोई दो तीन एक्ट्स लाए गए थे उसके लिए. पहला ये था कि जो लेंथ ऑफ कोई भी बंदा इमिग्रेशन करके अगर अमेरिका आता है तो 5 से 14 साल नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज कर दिए गए थे फॉर दैट पर्सन टू बिकम एन अमेरिकन सिटीजन, ताकि आसान ना लगे किसी को भी. उसके अलावा एक और था कि जी आप कोई भी, अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि कोई भी बंदा ट्रबल क्रिएट कर अमेरिकन लैंड के अंदर, एनी फॉरेनर कैन बी किक्ड आउट ऑफ अमेरिका. और थर्ड जो था कि इन सारे एक्ट्स के ऊपर अगर क्रिटिसिज्म ना आए, उसके लिए ये था कि एनी पर्सन हु पब्लिकली ह्यूमिलिएट्स और टॉक्स और क्रिटिसाइजेस द प्रेसिडेंट और द अमेरिकन गवर्नमेंट, उसको भी सजा मिल सकती है. अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा एंटी फेडरलिस्ट बोले थे क्योंकि उनको लगता था कि जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कर्व कर रहे हो. बहरहाल ये कुछ मसले थे उस टाइम पे दोनों पार्टीज के दरमियान, और ये कुछ अकम्पलिशमेंट्स थी फेडरल रिजीम की. फिर बात कर लेते हैं फॉरेन रिलेशंस की, ठीक है. अब नेपोलियन वॉर जब चल रही थी, ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली इंग्लैंड जो था इट वॉज एट वॉर विद फ्रांस, एंड फ्रांस वॉज ऑल्सो एट वॉर विद स्पेन. तो कॉन्स्टेंटली जब यूरोप में एक वॉर का समा था, तो अब नॉर्थ जो था, नॉर्थ अमेरिका वांटेड अ प्रो ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है, साउथ अमेरिका वांटेड अ प्रो फ्रांस पॉलिसी. अब क्योंकि इस डिवीजन से तंग आने के लिए और इस डर से भी कि अमेरिका फिर से डिवाइड ना हो जाए, जॉर्ज वॉशिंगटन इशूड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी, जिसमें उसने कहा कि ऑल द कंट्रीज नीड टू रिस्पेक्ट न्यूट्रलिटी ऑफ अमेरिका एंड अमेरिका विल बी एट पीस विद बोथ द पावर्स ऑफ यूरोप, ठीक हो गया. इसके अलावा जेस ट्रीटी हुई थी इन 17, मैंने डेट भी लिखी हुई, 1795 में, जिसमें ब्रिटिश ने स्टार्टेड कैप्चरिंग अमेरिकन शिप्स दैट वर ट्रेडिंग विद फ्रांस, उल्टा हो गया, ठीक हो गया. अब जॉन जे वाज बेसिकली वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, ही साइंड अ ट्रीटी व्हिच इज नोन एज जेस ट्रीटी विद ब्रिटिश, ताकि आप जिसमें सर्टेन कंसेशंस जो थे आपने ग्रांट किए थे दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को, ठीक हो गया. इसको देखा था कि फिर एक्स वाई जी अफेयर पे आते, फ्रांस बड़ा इन्फ्यूरिएट हुआ क्योंकि उनको लगा कि जी अमेरिका जो था वो उनके साथ की भी कभी जिंदगी में पुरानी ट्रीटी को ऑनर करेगा, उनकी सपोर्ट करेगा, उनकी साइड लेगा. तो क्या हुआ ये कि एक टीम ऑफ अमेरिकन वर सेंट टू फ्रांस कि आप जी आप क्या कहते हैं आप बात करो, नेगोशिएशन करो, ठीक है. लेकिन तीन मिशनरीज थे वहां पे एक्स वाई जी, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं हुए, उन्होंने ब्राइब मांगी, ठीक है, लेट मी राइट डाउन द अमाउंट फॉर यू. उन्होंने ब्राइब मांगी 250,000 US डॉलर्स की,
और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो $10 बिलियन का लोन भी प्रोवाइड करे फ्रांस को. अमेरिका ऑब्वियसली आउटराइटली रिफ्यूज्ड और बिल्कुल एक ब्रिंक ऑफ वॉर होने वाला था अमेरिका फ्रांस के बीच में. लेकिन एंड टाइम पे नेपोलियन जो था वो ही इंटरवीन्ड एंड ही स्टॉप्ड दैट वॉर और चीजें ठंडी पड़ गई थी. और स्पेन के साथ भी जो पांचवा पॉइंट है रिलेशन सही थे. एक ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो जो थी वो साइन हुई थी ट्रीटी अमेरिका की स्पेन के साथ, जिसमें उनको एक्सेस भी मिल गया था मिसिसिपी रिवर का अमेरिकन को इन एक्सचेंज फॉर नॉट इनिशिएटिंग एनी अग्रेशन अगेंस्ट द स्पेनिश टेरिटरी इन द वेस्ट. ठीक हो गया. अच्छा एक छोटा कभी नोट आ जाए तो आप देख लीजिएगा जॉर्ज वॉशिंगटन के ऊपर. ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन February 22, 1732 वर्जीनिया में इनकी पैदाइश हुई थी. इन्होंने मिलिशिया रेज की थी सबसे पहले अगेंस्ट द ब्रिटिश व्हेन ही वाज 21. फर्स्ट कैबिनेट, अब जो फर्स्ट कैबिनेट मैंने पहले पढ़ाया वो इनकी उसमें आ जाएगा नोट पे. जुडिशरी आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलिटी इन फॉरेन अफेयर्स इधर आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली जॉन एडम्स जो था वो आपका सेकंड प्रेसिडेंट था आफ्टर जॉर्ज वॉशिंगटन. ठीक है, अब ही वाज नॉट वेरी पॉपुलर. उसके बाद फिर एंटी, आप देखोगे कि किस तरह से एंटी फेडरलिस्ट टेक ओवर और थॉमस जेफरसन आ जाता है. ठीक हो गया. जॉन एडम्स जो था वो उसकी प्रेसिडेंसी के बारे में आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर सकते हो जिसमें एक्स वाई जेड अफेयर आ जाता है, जिसको मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि क्या था. और एलियन और सेडेशन एक्ट भी इसके टाइम पे आए थे. ठीक हो गया. अच्छा जी, थॉमस जेफरसन की आप बात करें तो ही वाज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 1801 टू 1809. ठीक है, आल्सो नोन एज जेफरसोनियन डेमोक्रेसी. इसकी जो कॉन्सेप्ट था या इसका जो विजन था वो कहता था ही हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द स्मॉल कॉमन मैन. वो कहते थे कि जो आम आदमी है ना उसके अंदर बहुत पावर है, आप उसको पावर करो क्योंकि ही इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिका. ही इज द पर्सन हु फॉट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक अमेरिका फॉरवर्ड. ही हैड अ लॉट ऑफ होप इन द कॉमन मैन एज इसके फेडरलिस्ट के बरक्स जो कि कहते थे कि भाई प्रिविलेज क्लास ही रूल कर सकती है. स्मॉल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया थॉमस जेफरसन. थॉमस जेफरसन कहता है कि जी गवर्नमेंट जितनी भी स्मॉल उतना ही आसानी से मैनेज हो सकती है, विच इज वाई ही एडवोकेटेड फॉर स्टेट राइट्स. उसके बाद एग्रेरियन डेमोक्रेसी. वो अगेन कहता था कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को आप सब्सिडीज देना बंद करो बिकॉज द फ्यूचर इज द कॉमन मैन, द फार्मर हु बेसिकली इज गोइंग टू प्रॉस्पर, हु बेसिकली इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ अमेरिका. और वो ये कहता था कि जो आप इंडस्ट्रियलिज्म जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डिप्राइव करते अमेरिका को ऑफ देयर इंडिपेंडेंस क्योंकि आप सब्सिडीज दे देके आप उनको डिपेंडेंट कर रहे हो. ठीक है, फिर लैप्स ऑफ एक्ट्स बिकॉज ही बिलीव्ड इन दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो सेडेशन एक्ट तो फटाफट लैप्स कर दिया उसने. And because he believed that America should have more foreigners, should have more immigrants, so Alien Act भी आपका उसने lapse हो गया. फिर slavery की तरफ attitude ये था कि he accepted them as an inferior race. ठीक है, वो बहुत clearly कहता था कि inferior race है, हमारे जैसे नहीं है. लेकिन he put a ban on importation of slaves in 1807. ठीक हो गया. फिर purchase of Louisiana जो है वो again it is considered as one of the biggest achievements. ठीक है, जो कि थॉमस जेफरसन के टाइम पे हुआ था और फ्रांस से लिया गया था लुइसियाना, जिसकी वजह से अमेरिकन टेरिटरी जो थी वो बिल्कुल डबल ट्रिपल हो गई थी. इसके ऊपर एक सेपरेट नोट भी आ सकता है, वो हम डिटेल में करते हैं, लेकिन मेजरली ये था. फिर एक केस था मार्बरी वर्सेस मेडिसन. इसके ऊपर भी अगेन एक सेपरेट नोट आ जाता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने इट्स अपने आप को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी थी ताकि वो इनवैलिडेट कर सके और अपहोल्ड कर सके फेडरल लॉज को, कि फेडरल लॉज को देख सके या तो इनवैलिडेट करे या अपहोल्ड करे उसको, एक पर्टिकुलर फेडरल लॉ को. तो पावर दी गई थी जुडिशियल रिव्यू की. ठीक हो गया. अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक जो है वॉर ऑफ 1812 और 1814 है. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर.